तो अब तक हमने ये तीन चेक परफॉर्म किए। अभी इसके बाद हम क्रैक विड्थ का चेक परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि 0.25 mm से कम चाहिए डेड लोड और लाइव लोड के लिए प्रिफरेबली। बट मेरा ये कहना है कि यहाँ पे कोशिश करें कि 0.20 mm से कम लिया जाए, तो इसकी कोशिश हमें करनी है हमेशा। तो अभी उसके लिए एक सैंपल के लिए हम इस फुटिंग की क्रैक विड्थ निकालेंगे। क्रैक विड्थ के लिए एज पर IS 456 2000 पेज नंबर 95 पे क्रैक विड्थ का ये फॉर्मूला दिया गया है एनेक्चर एफ में। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्रैक विड्थ निकालनी है। अभी क्रैक विड्थ के लिए मैंने एक एक्सेल शीट भी प्रिपेयर किया है। एक्चुअली ये मैंने तैयार नहीं किया था, बट इसको मैंने चेक किया है। ये है एज पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड 8110 के हिसाब से, बट ब्रिटिश स्टैंडर्ड का ये क्रैक विड्थ का पार्ट हमारा जो एज पर IS कोड का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ही है एज गुड एज। तो इसमें ही मैंने मॉडिफाई करके ये एक एक्सेल शीट तैयार किया है। तो इसमें अभी हम वैल्यू पुट करने वाले हैं ये ब्लू कलर के ब्लॉक्स में। सिर्फ इसमें अभी FCK यानी कि FCU उनका, तो ये है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद FY है हमारा 500। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले शो स्लैब डिज़ाइन में जाके बॉटम रेनफोर्समेंट हमें चेक करना है। ये डायरेक्शन 2 का है 2144, और ये डायरेक्शन 1 का ये कम है, यानी कि 2144 के लिए हमें चेक करना है। यहाँ पे ये 2144 में डाल देता हूँ। बी यानी कि विड्थ ऑफ फुटिंग, बट ये यूनिट विड्थ है इसलिए हमने 1000 लिया है यहाँ पे। हाइट, अभी हाइट ऑफ फुटिंग इसके लिए ये रेड कलर की फुटिंग थी हमारी कॉर्नर वाली, तो यहाँ पे डिफाइन स्लैब प्रॉपर्टीज़ में रेड वाली फुटिंग की 350 mm हमारी साइज थी, तो यहाँ पे मैं 350 mm डाल देता हूँ। उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ हमें डालनी है। इफेक्टिव डेप्थ उसके लिए अभी 350 माइनस क्लियर कवर 50 है, और उसमें माइनस हम करेंगे 16 mm का अगर बार हमने कंसिडर किया तो 16 / 2 यानी कि 8 mm, तो ये 292 उसका इफेक्टिव डेप्थ आएगा 292। उसके बाद ये क्लियर कवर ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट ये 50 mm है ही। मैक्सिमम बार स्पेसिंग, ये मैक्सिमम बार स्पेसिंग जो है ये अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो ज़्यादा बार स्पेसिंग आ रहा है वो यहाँ पे डालना है। अगर ये सपोज करो 150 mm है और बार डाया 16 mm है, तो उस हिसाब से डालना है। अभी अप्लाइड सर्विस मोमेंट, अप्लाइड सर्विस मोमेंट के लिए हमें यहाँ पे शो स्लैब फोर्सेस ऑब्लिक स्ट्रेसेस में जाके रिजल्टेंट फोर्सेस चेक करना है लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए मोमेंट M22 के लिए अप्लाई। यहाँ पे मोमेंट 22 135 है, यहाँ पे तकरीबन 135 अगर हमने कंसिडर किया तो यहाँ पे मैं 135 किलोन्यूटन मीटर यहाँ पे डालने के बाद ये डायरेक्टली मेरी वैल्यू आ रही है क्रैक विड्थ की 0.24 mm। तो अगर इसको 0.20 mm की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए हमें उसकी डेप्थ, टोटल डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी फुटिंग की यानी कि थिकनेस। तो ये थिकनेस अगर मैंने 350 के बजाय 400 करके देखते हैं, हम 400 किया तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी आएगी, 400 माइनस 50 माइनस 8 342 आ जाएगी हमारी 342।
क्लियर कवर 50 ही रहेगा। स्पेसिंग अगर थिकनेस बढ़ाई तो स्पेसिंग लगभग उतना ही रहेगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमने अगर 140 कंसिडर किया और बार डाया 16 mm ही रखा, मोमेंट कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर समझो 120 kN मोमेंट कंसिडर की मैंने, तो यहाँ पे ये 0.16 mm आ रहा है हमारा। ये 120 के बजाय 125 बढ़ा के देखते हैं तो 0.17 आता है, 130 करके देखते हैं तो ये भी बढ़ता है। तो इस हिसाब से हमें थिकनेस बढ़ा के ये बाकी के दो चार पैरामीटर है वो भी बढ़ाने पड़ते हैं। वो एक्चुअल बढ़ाने का, जो यहाँ से एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो बढ़ाने, वो लेना है यहाँ पे। मैंने एक सैम्पल के लिए वो आपको लेके दिखाया है। तो इस हिसाब से फिर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ब्लू बटन, फॉर अ लिमिटिंग डिज़ाइन क्रैक विड्थ ऑफ 0.10 mm अलाउ कॉन्क्रीट स्टिफनेस फैक्टर ऑफ 1.5 इन कैलकुलेशन ऑफ एप्सिलॉन 2। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं, 1.5 फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, बट ये नॉट एप्लीकेबल है। अगर ये टिक किया तो ये एप्लीकेबल हो जाता है, यूज्ड हो जाता है, और वो ऊपर वाला अनयूज्ड हो जाता है। तो वो केस अगर 0.10 mm से कम है या नहीं है वो चेक करने के लिए वो टर्म लिया गया है, ठीक है। उसका कुछ ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो यूज़ की और दूसरी वाली वैल्यू से वो कम आ जाता है, तो ऊपर वाली वैल्यू ही यूज़ करना है। तो इस हिसाब से फिर हमारे ये क्रैक विड्थ का चेक हमने परफॉर्म कर लिया है। क्रैक विड्थ के चेक के लिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाले कोड का हमने यूज़ किया है, जो कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड से लगभग मिलता जुलता है, लगभग मिलता जुलता है। फॉर्मूला अगर उनका फॉर्मूला देखा जाए क्रैक विड्थ का, वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला है, बट उसमें कुछ पैरामीटर जो है वो थोड़ा सा उनका इंटरनल थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होने की वजह से डिफरेंस आता है। बट वो चेंज जो था वो भी मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में कर लिया है। तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ ये वैल्यू पुट करके डायरेक्टली क्रैक विड्थ निकालना है। तो अभी इस हिसाब से अभी यहाँ पे हमारी क्रैक विड्थ का चेक भी परफॉर्म कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पंचिंग शेयर का चेक परफॉर्म करेंगे, जो कि शेयर वॉल के लिए हमें करना पड़ता है। नॉर्मली तो हम ये पंचिंग शेयर कैपेसिटी रेशो कॉलम के लिए चेक करते हैं, बट शेयर वॉल के लिए ये परफॉर्म नहीं किया जाता है। उसके लिए ये IS कोड मेथड परफॉर्म की जाती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।